पंजाब एवं हरियाणा के पूर्व न्यायाधीश एवं राज्य के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल ने कैथल के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस फ्रंट का गठन किया है और लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़कर भ्रष्टाचार विरुद्ध लड़ाई लड़े। वहीं उन्होंने बताया कि गांधीवादी नेता अन्ना हजारे 4 मार्च को कुरुक्षेत्र स्थित पंजाबी धर्मशाला में एक सभा को संबोधित करेंगे तथा 23 मार्च को हुसैनवाला से मिट्टी लेकर शहीदों की शहादत को स्मरण करने के बाद वे रामलीला मैदान में आमरण अनशन करेंगे। News4U के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह और कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। अच्छे लोग क्यों चुप हैं? उस आवाज को उठाने के लिए कि ये उनके चुप रहने से एक बहुत उस भ्रष्टाचार के पाप को, उस क्राइम को एक बढ़ावा मिलता है। जब अच्छे लोग चुप रहेंगे तो वो बढ़ावा मिलता है उनको, क्रिमिनल्स को भी बढ़ावा मिलता है कि कोई डेयर नहीं करता, हिम्मत नहीं करता। लेकिन मैं एक बात, ये आज किसी वर्ग के साथ, किसी कमजोर के साथ कहीं कोई इंजस्टिस होता है तो बड़े से बड़ा ग्रुप भी चुप हो जाता है, वो चुप हो जाते हैं। और पॉलिटिशियन अपने 2-3 पॉइंट दिमाग में रख के कि मेरा वोट बैंक ना खिसके, 3 बातें, वोट बैंक, झूठे प्रॉमिस और अपीजिंग पॉलिसी, कि उनको ध्यान में रखते हुए वो 1-2 दिन स्टेटमेंट दे के वो भी चुप हो जाता, उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तो इस चीज से हमने एक आवाज उठाने की कोशिश की है, अच्छे लोग इकट्ठे हो जाओ। वही अपील मैंने आज सारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, मैं हरियाणा की जा रहा, हमारे सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जो हुसैनीवाला में जिनका संस्कार किया गया था रावी के किनारे पर, उसकी वहां से मिट्टी लेके रामलीला ग्राउंड में अपना अनशन पर बैठेंगे कि ये जनलाखपोर जो एक्ट है इसको लागू करो। और जो दूसरी और आज सेंसिटिविटी खत्म हो रही है कि कोर्टों में 3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता 20-20 साल तक, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं उठाता। आज यहाँ इसलिए आगमन हुआ कि हमने हरियाणा में एक सोशल जस्टिस फ्रंट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, जिसका मेन जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनजस्टिस। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है इसका कि कहीं भी भ्रष्टाचार है या अन्याय है वो हमारा फ्रंट उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा। कौन सी शक्ति से लड़ेगा? वो जनशक्ति से, पीपल। जब वॉइस ऑफ पीपल हमारे साथ होगी तो मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि हम इस पर 99.9 नहीं, हम इस पर 101% इस पर काबू पा सकते हैं। ऐसा मैंने अपना अनुभव किया है पिछले 30 साल की जुडिशियल सर्विस भी रही है, पब्लिक एज लोकायुक्त भी मैंने महसूस किया है, जनरल पब्लिक की कंप्लेंट्स भी आई हैं कि देखो भ्रष्टाचार जो है वो उसके 2 बातें हैं उसमें, कि या तो हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिशियन अच्छे संस्कार के हों, अच्छे करेक्टर के हों, अच्छी इंटेग्रिटी के हों, ऑनेस्टी के हों और शर्मसार भी हों, और दूसरा अगर वो नहीं है तो फिर कानून इतना स्ट्रांग हो कि वो उसके डर से हिम्मत ना करें,